गुरदासपुर के दीनानगर में हुए आतंकी हमले के बाद तरन तारण पुलिस काफी सतर्क नजर आ रही है, जिसके चलते सरहदी क्षेत्रों में रहने वाले 47 स्मगलरों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि इन स्मगलरों के संबंध पाकिस्तानी स्मगलरों के साथ है, जो पाकिस्तान से नशा, हथियार व जाली करेंसी मंगवाते थे। पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हो पाया। 47 स्मगलरों में से 29 स्मगलर अकेले खयमकरण, वल्टोहा व सरहाली थानों से संबंध रखते हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए खेमकरण थाना मुखी का कहना है कि खेमकरण के सभी गांव पाकिस्तान बॉर्डर के साथ लगते हैं, जिसके कारण यहां पर सबसे अधिक स्मगलर हैं। ये जी तरन तारण जिले 47 स्मगलर के खिलाफ परचे दर्ज किए गए जी, जिन्हें चो 4 स्मगलर थाने बिल्टोए के रहने वाले जी। इन्हों चार बारे इनफॉर्मेशन है साढ़े को, इन्होंने पाकिस्तान स्मगलर का संबंध ने उतों नजायज़ हथियार नशीले पदार्थ की समगलिंग करके इतने गा सप्लाई करते हैं। दूजे तो की कोई अरेस्ट हुई है, कोई भगौड़े नहीं चाहिए पट्टी से। हजार टीवी न्यूज के लिए गुरप्रीत सिंह गोपी की रिपोर्ट।